बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में 1913 में हुए आंदोलन को भील प्रदेश की मांग का आंदोलन बताने वाले तथ्य पर उदयपुर सांसद मनालाल रावत ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में छपी नवी की किताब में छपी इस जानकारी को गलत बताया है। इसको लेकर सांसद ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा था। इसके बाद अब सीएम ऑफिस ने जांच के आदेश दिए हैं। मनालाल रावत ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय कक्षा नवी की किताब में 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम पर गोविंदगिरी महाराज की अगुवाई में हुए आंदोलन को गलत तरीके से पेश किया है। इसमें बताया कि भील समाज के उत्थान के लिए गोविंदगिरी अलग से भील राज्य बनाना चाहते थे, जबकि इतिहास में ऐसा कहीं नहीं लिखा। गोविंदगिरी भक्ति मार्ग के समर्थक थे। अपने शिष्यों और जनता को भक्ति भजन से प्रेरित कर सामाजिक बुराइयों को दूर करने, जन जागरण करने और अंग्रेजों के खिलाफत करने के लिए जाने जाते थे। सांसद मनालाल रावत ने बताया कि मुझे जानकारी मिली थी कि नवी की पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के अध्याय 4 में पृष्ठ संख्या 42 पर गोविंदगिरी को लेकर टिप्पणी की गई है। उसमें अंकित है कि सामंती एवं औपनिवेशिकता सत्ता द्वारा उत्पीड़क व्यवहार ने गोविंद गुरु एवं उनके शिष्यों को सामंती व औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भील राज्य की स्थापना की योजना बनाने की ओर प्रेरित किया। यह कथन पूर्णतया तथ्यों से परे है और यह टिप्पणी पूरी तरह से गलत है। मनालाल रावत ने बताया कि अंग्रेजों ने मानगढ़ धाम आंदोलन को लेकर गोविंदगिरी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। यह आंदोलन राजनैतिक चेतना के लिए किया गया था। इसमें सर्व समाज शामिल था। ऐसे में 1 सितंबर को इसे लेकर हमने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा था। इसके संबंध में सीएमओ से 9 सितंबर को स्कूली शिक्षा के शासन सचिव को पत्र लिखा गया और उस पत्र की प्रति शुक्रवार को मिली। सांसद रावत ने इस मामले में गोविंदगिरी के एक भजन का हवाला दिया। कहा, गोविंद गुरु का प्रसिद्ध भजन भुरेटिया नी मानू रे भुरेटिया है। इसमें भुरेटिया का अर्थ अंग्रेजों से था और नी मानू यानी मैं तुम्हारा कहा नहीं मानूंगा। मानगढ़ धाम गोविंद गुरु की तपस्थली थी। सांसद रावत ने कहा कि इस विषय पर विशेषज्ञों के शोध पत्रों एवं तथ्यों को लेते हुए किताब में इस टिप्पणी को संशोधित किया जाना चाहिए। इस संबंध में सीएमओ के उप सचिव जयप्रकाश नारायण ने स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव को पत्र लिखकर कहा कि सांसद के पत्र का अवलोकन कर वर्णित तथ्यों का परीक्षण करवाकर आवश्यक कार्यवाही की जाए और सीएमओ और सांसद को अवगत कराया जाए। गोविंद गुरु वागड़ के डूंगरपुर जिले के बांसिया बेड़ा गांव में जन्मे थे। बचपन से ही आध्यात्म में उनकी रुचि थी। उन्होंने अपने जीवन को देश, धर्म और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। गोविंद गुरु ने न किसी स्कूल कॉलेज में शिक्षा नहीं ली, पर उन्होंने आदिवासी अंचल के लोगों के बीच अलग जगाने का काम जरूर किया था। मानगढ़ धाम आंदोलन के बारे में जो तथ्य है, उसमें गोविंद गिरी जी महाराज के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और यह दिखाया गया कि वो भील राज्य के लिए आंदोलन किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मूलतः जो भारत की राजनीतिक चेतना है, जनजातियों की राष्ट्र के प्रति निष्ठा है, वो ये कहती है कि हम अहिंसक तरीके से आंदोलन करेंगे। संघ सभा का आंदोलन है और सनातन धर्म संस्कृति परंपरा को लेकर आंदोलन है। बोरेटिया नहीं मानो रे नहीं, ये उसमें मुख्य तथ्य है। अतः हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि ये तथ्य ठीक किए जाएं।